भारत में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है। गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक और हमारे हेल्थ के लिए लाभकारी होता है। वहीं आज के दौर में गाय माता पर लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर पंजाब तक राजस्थान में 10 लाख से ज़्यादा मवेशी संक्रमित हो चुके हैं। लंपी वायरस से देश में करीब करीब 50 से 70 हज़ार के बीच में गायें अपनी जान गंवा चुकी हैं। वहीं करीब 1.5 लाख के करीब गाय इस वायरस की चपेट में हैं और अभी की स्थिति में संक्रमित पशुओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि लंपी वायरस खून चूसने वाले कीड़ों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों और पशुओं के कीड़ों को काटने से फैलता है। डॉक्टरों के मुताबिक लंपी वायरस की वजह से पशुओं की स्किन पर जगह जगह निशान पड़ जाते हैं, फफोले हो जाते हैं और सही समय पर इलाज नहीं मिलने से पशु मर जाते हैं। लेकिन इंसानों को इसका खतरा न के बराबर होता है। हालांकि लोगों को ऐसे पशुओं से थोड़ी दूरी बरतना चाहिए और इनके इलाज में भी सावधानी बरतना चाहिए। आइए जानते हैं लंपी वायरस के लक्षण। लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं को संक्रमण के बाद तेज बुखार बना रहता है, दूध की मात्रा में अत्यधिक कमी आती है, पशुओं की त्वचा पर चकत्ते और गांठें बन जाती हैं, भूख उनको कम लगती है, पशु के पैरों में सूजन और लंगड़ापन आ जाता है, नर पशुओं में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, पशुओं में वजन की कमी आती है, लार का बहना और आंख नाक से पानी आना इसके मुख्य लक्षणों में से एक है। इसके अतिरिक्त अलग अलग पशुओं में अलग अलग लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। आखिर क्या है लंपी वायरस से बचाव का तरीका? यदि कोई पशु संक्रमित हो जाए तो उसे अन्य पशुओं से दूर और अलग रखें। पशुओं के स्थान को नियमित साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। मक्खी मच्छर आदि को खत्म करने के लिए समय समय पर स्प्रे या ऐसे ही अन्य घरेलू उपाय का प्रयोग करें। यदि किसी संक्रमित पशु की मृत्यु हो जाए उसके शव को खुले में न डालें बल्कि उसे गहरे में दफना दें जिससे संक्रमण का खतरा न रहे। समय समय पर आसपास के क्षेत्रों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। चिकित्सक के निर्देश अनुसार आप अपने संक्रमित पशु को गॉटपॉक्स वैक्सीन लगवा सकते हैं। पशुओं को मल्टीविटामिन की दवाइयाँ भी दी जा सकती है जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। हाँ, ध्यान रखें ये दवाइयाँ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही दें। NDDP आप सभी से विनती करता है गौमाता पर आई इस बीमारी को खत्म करने में इन सभी नियमों का पालन करें और आयुर्वेद के बताए गए नुस्खों को भी गौमाता का इस्तेमाल करें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है।